मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ रहे हो? गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। आपको एबीसीडी चार एग्जांपल्स दिए हैं, उसको आपको क्या करना है? नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 10 दोनों में से राउंडिंग फिगर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट विद ए क्या है? 439 प्लस 300 3 4371। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 100 के नियरेस्ट 200 राउंड फिगर करेंगे। ठीक है, तो 439 है उसे राउंड फिगर करेंगे, तो 439 400 से ज्यादा नजदीक है या 500 से? 400 लिखेंगे, 400 प्लस 334, 15 से लास्ट जो डिजिट है वो 15 से कम है, 50 से कम है, इसलिए वो 300 से नियरेस्ट होगा। अगर 50 से ज्यादा होता तो 400 से नियरेस्ट काउंट किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नियरेस्ट वैल्यू 300 प्लस 4 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 0 ऐड कर रही हूँ, 4370। तो पीछे के दो डिजिट्स है वो 50 से कम है, तो 370 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 300। ठीक है, तो 4300। अब क्या करेंगे, एडिशन 000, उसका आंसर 0 होगा, यहाँ पर भी 0, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 4 5, तो आंसर क्या मिला, 5000। ठीक है, ये क्या है, किसका आंसर है, नियरेस्ट टू 100। ठीक है, अब नियरेस्ट टू 10। ओके, तो फिर से इसे लिखना पड़ेगा, तो 400 है उसे नियरेस्ट, 439 है उसे नियरेस्ट टू 10 बनाना, तो पीछे का दो डिजिट 39, तो 39 नियरेस्ट टू 10 क्या होगा, 40। ओके, तो क्या बन जाएगा, 440 आया समझ में, प्लस या 34 है उसे नियरेस्ट में 10 बनाऊंगी, तो 34 है वो 30 से नियरेस्ट है या 40 से? ठीक है, यहाँ जो पिछला डिजिट है वो 5 से कम है, यानी कि वो क्या बन जाएगा, 30 से नियरेस्ट बन जाएगा, यानी कि 330। ठीक है, यहाँ एक 0 में ऐड कर देती हूँ क्योंकि 4 डिजिट का बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखो 17 है, यानी उससे मुझे नियरेस्ट टू 10 बनाना है, तो 17 है यानी कि 70 वो 50 से बड़ा है, तो नियरेस्ट टू 10 होगा या नियरेस्ट टू 20, नियरेस्ट टू 20। ठीक है, तो इसे 4320 ऐसे लिखेंगे, आया समझ में कि नहीं? तो अब इसका एडिशन करो, तो यहाँ पर 0, 4377 प्लस 2 9, 4377 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1, यानी कि आंसर क्या होगा, 5090। ओके, कॉमा स्किप कर देना, आया समझ में? ठीक है, वैसे ही दूसरा बी, यानी कि 730
फाइव डिजिट है, सिक्स डिजिट बनाने के लिए, ओके। अब 599 है, उसे मुझे नियरेस्ट टू क्या बनाना है, 10। तो 99 है, उससे मैं नियरेस्ट टू 10 बनाऊंगी तो 100 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 600, ओके, 47,600। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जीरो में से जीरो गए जीरो, सेवन में से सॉरी थ्री में से जीरो गए थ्री, सेवन में से सिक्स गए वन, एट में से सेवन गए वन, फिर से यहाँ पर मुझे ये प्रोसेस करनी पड़ेगी क्योंकि जीरो में से फोर नहीं जा सकता, टेन में से जीरो गए सिक्स, तो क्या मिला मुझे आंसर, 61,130, ओके। आया समझ में? सी
अब क्या करेंगे, नियरेस्ट टू हिसाब से उसे क्या करेंगे, राउंड फिगर करेंगे। ओके, तो पहला है 578 क्रॉस 161, तो कैसे करेंगे उसे, नियरेस्ट 100 राउंड
13,000